हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम क्या है? प्रतीक आत्मा। तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे एक वीक हो गया है एंड मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सो राइट नाउ मैं बहुत घर में बोर हो रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था अच्छा सा। टॉपिक बहुत सारे हैं, एक दो व्लॉग बनाए, कुछ एरर की वजह से वो व्लॉग मैं पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मड आइलैंड, अक्सा बीच, एंड वहाँ पर जाके मैं आपको बीच दिखाऊँगा। एंड वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे शूट्स होते हैं, तो मैं आपको वो स्टूडियोज़ दूर से दिखाऊंगा। अंदर नहीं ले जा सकता, परमिशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको वो शूट्स जहाँ पे भी होते हैं मैं वो बंगलो ज़रूर दिखाऊंगा मड आइलैंड एरिया में। तो चलो चल के देखते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने बोला था कि मैं आपको मड आइलैंड लेके जाऊंगा, वहाँ पे अक्सा बीच, दानापानी बीच और दुनिया भर की जो भी बीचेस और प्लेसेस है वो दिखाऊंगा। एंड मेरे साथ आज एकम्पनी कर रहा है मेरा फ्रेंड जिसका नाम है हर्षिल। हेलो, ये है हर्षिल, मेरी बिल्डिंग में रहता है और मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो मैं इसको उठा के लेके आ गया, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी इसके लिए। सो दिस इज़ दानापानी बीच। सो ये है दानापानी बीच हमारे मुंबई में, मलाड में है ये। और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो? अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गोरेगांव रहता हूँ तो मुझे हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट या बाहर से आ रहे हो तो आप मलाड स्टेशन से बस ले सकते हो, रिक्शा ले सकते हो, कैब ले सकते हो एंड यहाँ पे आ सकते हो। इट विल हार्डली टेक अराउंड 15-20 मिनट्स टू रीच ओवर हियर। एंड ये बीच पे मुझे आके बहुत सुकून मिलता है एंड ट्रस्ट मी, मानसून के टाइम या इवनिंग के टाइम आप यहाँ पे आओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ है ना ये लहरें सुनो, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे टीवी सीज और सीरियल्स और मूवीज़ के शूट होते हैं, और मैंने आपको बोला था कि मैं वहाँ जाके रिवील करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों और मुझे ये सारी प्लेसेस कैसे पता है। सो आई टेल यू लेटर ऑन। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अक्सा बीच, मड आइलैंड और दानापानी बीच लेके जाऊंगा, तो मैं लेके आया हूँ। एंड दानापानी बीच मेरी हो गई है। एंड सेकंड चीज़ जो मैंने आपको घर में सबसे पहले बोली थी वो ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग के बंगलो हैं, तो उसमें से एक ये है सिमरन हाउस। यहाँ पे बहुत सारे हैं, बुलर हाउस, बुलर गार्डन, बुलर्स नेस्ट, भसीन्स नेस्ट एंड बहुत सारे बंगलो हैं जहाँ पे टीवी सीज और कमर्शियल्स की शूट्स होते हैं एंड मूवीज़ के भी शूट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बंगलों से जहाँ पे शूट होती है, मैं अंदर तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, बट हाँ अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। और हाँ, और एक बात मैंने आपको बोली थी कि मुझे ये सारी प्लेसेस कैसे पता, तो वो ये, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ये सारी प्लेसेस कैसे पता, तो वो ऐसे हैं कि मैंने भी कुछ टीवी सीज और सीरियल्स में काम किया है। जिनको शायद पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं कौन से सीरियल में था, कहाँ पे मैंने क्या काम किया था। मैंने ज़्यादा काम तो नहीं किया लेकिन हाँ मैंने काम किया। राइट नाउ मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली करूँगा। हे हाय फ्रेंड्स, सो मैं आ गया हूँ मारवे बीच एंड मेरे पीछे आपको ये छोटी छोटी फेरी दिखाई दे रही होगी,
हाँ ये वाली। सो ये फेरीज आपको लेके जाती है ये क्रीक के दूसरे साइड जहाँ पे है पगोड़ा, और वन ऑफ द एशियास्ट मोस्ट हैपनिंग प्लेस, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर किंगडम और रेसल वर्ल्ड, वो भी पगोड़ा के बाजू में सिचुएटेड है। और दूसरे साइड है गोराई बीच, तो अगर आप फेरी से जाना चाहते हो तो बीच जा सकते हो, और अगर आप चाहो दूसरी जगह से फेरी पकड़ना है तो बोरीवली में गोराई क्रीक है, वहाँ से भी आप फेरी पकड़ सकते हो। रोडवेज से जाना है तो पूरा हाईवे घूम के भयंदर से आपको वहाँ पे जाने मिलेगा, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो लोग हमेशा यहाँ से फेरी प्रेफर करते हैं दूसरे साइड जाने के लिए क्रीक के। सो अगर आप कभी मुंबई में आओ, और मुंबई के सारे व्यूअर्स को पता ही होगा, तो अगर आप मुंबई में पहली बार आ रहे हो या अगर मुंबई में घूमने आ रहे हो, तो आपको अगर गोराई क्रीक जाना है और यहाँ से दूसरी बीच जाना है, गोराई बीच जाना है सॉरी, तो आप यहाँ पे आके फेरी ले सकते हो और वहाँ जा सकते हो, एंड पगोड़ा भी विजिट कर सकते हो। पगोड़ा क्या है, थोड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम नहीं कर सकता, वहाँ पे दूर पगोड़ा सिचुएटेड है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, विपासना मेडिटेशन कर सकते हो। तो अगर आप कभी मुंबई आओ और अगर आपकी इच्छा है कि आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हो, तो आप ज़रूर जाओ। एंड मैं इसके बाद आपको लेके चलूँगा आक्सा बीच, जहाँ पे मैं मेरा व्लॉग एंड करूँगा और आपको सनसेट दिखाऊँगा, और उसके बाद नए व्लॉग की प्रिपरेशन करूँगा कुछ ना कुछ, कहाँ जाना है मुझे, कैसे जाना है, तो बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो टू अक्सा बीच। आपको बोला था कि मैं अक्सा बीच लेके आऊंगा और मैं अक्सा बीच आ गया। ये है हमारी अक्सा बीच। बहुत खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे यूजुअली ये बीच हमेशा खाली ही रहती है। सो तू कभी आया इस बीच पे? आया तो हूँ बहुत बार इतनी है? खाली तो कभी देखी नहीं है। क्यों, क्या पता क्या किसके साथ आया? था मेरा फ्रेंड ही था। देख झूठ, फ्रेंड था नहीं, फ्रेंड थी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ठीक है, चलो हम वो चैप्टर्स नहीं ओपन करेंगे कि तू किसके साथ आया। वैसे ये बीच पे आप आ सकते हो, यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, एंड फूड स्टॉल्स हैं, तो यहाँ पे अगर आके कुछ खाना है तो आके एंजॉय कर सकते हो। जुहू बीच है, जुहू बीच बहुत क्राउडेड होता है, तो जो लोग यूजुअली जुहू बीच पे नहीं जाना चाहते वो अक्सा बीच पे आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, सनसेट देखते हैं। तो मैं आपको सनसेट दिखाऊंगा। सनसेट होने में अभी है हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर के बाद मैं आपको सनसेट दिखाऊंगा और तब मैं मेरा व्लॉग एंड करूंगा, घर जाऊंगा और नए व्लॉग की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे व्लॉग्स बनाने। एंड आप लोग मेरा व्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो फिर देख लो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मस्ती कर रहा हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, एंड अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाओ एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट लिखो, एंड पॉजिटिव कमेंट्स लिखो, मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। नेगेटिव कमेंट्स लिखो, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा डे बाय डे, मेरे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ नया करते आऊँगा और आपको एंटरटेन करते रहूँगा, ठीक है। सो सनसेट होने का वेट करते हैं, तब तक मैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सनसेट दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ आधा घंटा रुका और अभी धीरे धीरे सनसेट होने जा रहा है, तो मैं आपको एक सनसेट का क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है? दिखा दे, पक्का पक्का दिखा दे। चलो ये है वैसे हर्षिल। Yes. आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर्ब, सुप्रीम, मजा आया, अमेजिंग, ऑसम। हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया मड आइलैंड, हमने कवर किया मार्वे, हमने कवर किया अक्सा, हमने कवर किया दानापानी बीच और हमने कवर किए ब्यूटीफुल लोकेशंस और ब्यूटीफुल बंगलो जहाँ पे शूट्स होते हैं। अंदर नहीं ले जा पाया, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं मैं लेके जाऊं। कैसे मिलने चला गया, तुम चले जाएंगे? हाँ मतलब कुछ जुगाड़ करेंगे यार, मुंबई है यहाँ तो जुगाड़ चलता है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया
और अब मैं जा रहा हूँ घर पे नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करने। इसीलिए आप मेरे चैनल का नाम जानते हो ना, प्रतीकात्मक, उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सब्सक्राइब प्लीज, बाय।